हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों को याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने यूट्यूब कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाला था जिसमें आप लोगों से कुछ पूछा था कि मेरे एक फ्रेंड है जिन्होंने अमेजोन पे आईसीएस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया हुआ है, तो क्या उनका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव होगा या फिर रिजेक्ट होगा। तो आप लोगों का काफ़ी मिक्सड ओपिनियन है, तो कुछ लोगों ने कहा था कि रिजेक्ट हो जाएगा, कुछ लोगों ने कहा कि अप्रूव होगा। तो इस तरह के ओपिनियन, तो मैंने सोचा कि चलो वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। वैसे मुझे पता था कि अगर अप्रूव होगा तो बहुत अच्छी लिमिट उनको मिलने वाली है। तो खैर, उन्होंने बता दिया कि उनका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव होगा। मेरे ख्याल से कुछ जो है 2-3 दिनों का टाइम लगा होगा, मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिनों का। तो उनको जो है अप्रूवल मिल गया, बहुत आसानी से अप्रूवल मिल गया। कैसे मिला इसके बारे में आगे मैं बात करने वाला हूँ। और उनको जो क्रेडिट लिमिट मिली वो 1.5 लाख रुपए की क्रेडिट लिमिट मिली है, जो कि बहुत अच्छी लिमिट है। और मैंने उनसे पहले ही बता दिया था कि अगर अप्रूव होता है तो आपको ये समझ लीजिए कि 1 लाख रुपये से ऊपर की ही क्रेडिट लिमिट मिलने वाली है। तो बहरहाल दोस्तों, बात करते हैं कि उनका अमेजोन पे एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्रूव कैसे हुआ, किस बेसिस पे जो है उनको अप्रूवल मिला है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ना तो उनका आईसीएस बैंक में कोई अकाउंट है, ना तो उनका आईसीएस बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड है। और यहाँ पे आप लोगों को ये भी क्लियर कर दूँ कि उनका जो सिबिल स्कोर है, जो कि मैंने उनसे पूछा था, जो उन्होंने मुझे बताया 752 है उनका, तो मतलब कि ठीक है, ऐसा नहीं है कि खराब है, गुड है। तो अब बात करते हैं कि उनके पास कौन कौन से क्रेडिट कार्ड्स पहले से मौजूद थे। तो एक क्रेडिट कार्ड जो कि वो 1 साल से यूज़ कर रहे थे, जो HDFC बैंक का था, जिसकी लिमिट बहुत कम मिली थी उनको HDFC बैंक से, 21,000 की। और ये काफ़ी पुरानी बात है, जब HDFC पे बैन नहीं लगा हुआ था तब उनको मिला था। और अभी थोड़ा सा उनको लिमिट जो इंक्रीज़ करके दिया गया, तो 25,500 की हो गई है। तो वो ऐसा कुछ बता रहे थे। बहरहाल इसी पीरियड में, मतलब कि ये समझ लीजिए कि इसी सितंबर महीने में, उनके एक और SBI का कार्ड बन के मिला है, जिसकी लिमिट वो मुझे बता रहे थे, अच्छे से याद नहीं लेकिन 40,000 उन्होंने, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कि उनको लिमिट मिली है क्रेडिट लिमिट। तो बहरहाल ये दो उनके पास क्रेडिट कार्ड्स थे। तो एक तो समझ लीजिए कि पुराना, और एक जो SBI का बिल्कुल अभी नया बना हुआ था, और समझ लीजिए कि सेम वीक में ही बना हुआ था जब उन्होंने अमेजोन पे एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया। और वो भी मैंने उनसे कहा था कि अब अप्लाई कर दो, क्योंकि जब उनका SBI का कार्ड बना तो जितनी उनको लिमिट बताई गई थी उससे बहुत कम उनको लिमिट मिली थी, हाफ लिमिट मिली थी। तो जब उनको SBI की तरफ से कम क्रेडिट लिमिट मिली तो वो कार्ड बंद करवाना चाह रहे थे। तो मैंने कहा कि आपको कार्ड नहीं बंद करवाना है, अभी के टाइम में आपको अमेजोन पे एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड बहुत आसानी से मिल जा रहा है, तो आप एक बार ट्राई कर लो। वो मिल गया तो आपको आगे बहुत अच्छे क्रेडिट कार्ड्स मिलने वाले, क्योंकि उसकी लिमिट बहुत ज़्यादा रहने वाली है। तो उन्होंने ट्राई किया, ये समझ लीजिए उनको SBI का कार्ड मिला, और उसके बाद जो उन्होंने अमेजोन पे एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया। अब यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट्स दिए। तो जैसा कि उन्होंने मुझे बताया कि पहले उन्होंने अपनी सारी डिटेल्स वगैरह फिल करी, तो क्योंकि उनके पहले से KYC वगैरह हो रखी है, तो यहाँ पे उनको KYC की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब कि वही अपनी डिटेल्स वगैरह उन्होंने फिल करी है, जैसे कि आधार की और जो पैन की डिटेल्स और अपना जो है पूरा एड्रेस वगैरह, तो वो जो नॉर्मल डिटेल्स आपको फिल करनी होती हैं बस वही उन्होंने फिल किया। और उसके बाद कंपनी नेम उनसे पूछा गया, यहाँ पे कोई भी जो सैलरी स्लिप वगैरह उनसे नहीं मांगा गया, बस जो कंपनी नेम जो है पूछा गया और उन्होंने इंटर किया, और उसके बाद जो उनका एप्लीकेशन सबमिट हो गया, और उसके बाद जो उनको क्रेडिट कार्ड मिल भी गया, अप्रूव हो गया। इससे पहले वो बता रहे थे कि सैलरी स्लिप मांग रहा है, फिर बाद में जब उन्होंने चेक किया, मैंने उनसे कहा कि आप एक बार दोबारा फिर से चेक कर लो, तो उन्होंने बाद में चेक किया, और मेरे ख्याल से कुछ महीनों बाद उन्होंने चेक किया, तो कह रहे थे कि वो सिर्फ जो है कंपनी नेम मांग रहा था, तो मैंने कंपनी नेम इंटर कर दिया और उसके बाद उनको क्रेडिट कार्ड मिल भी गया। अब वैसे यहाँ पे आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि वो सैलरीड पर्सन है, मतलब कि काम करते हैं, भले ही उनके पास जो है सैलरी स्लिप ना रहा हो लेकिन वो काम करते हैं। तो उन्होंने जैसे ही अपना कंपनी नेम वगैरह एंटर किया तो उसके बाद जो है उनको क्रेडिट कार्ड मिल गया। हाँ, यही मैं पूछने के लिए कॉल किया था कि अप्रूव हो गया है ना। हाँ, अप्रूव तो कब का हुआ था, 3 दिन पहले। अच्छा अच्छा, कितनी लिमिट मिली है? 1.5 लाख का। अच्छा, एक्चुअली कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि जब वीडियो अपलोड करूँ तो उसमें जो सुना सकूँ, नहीं तो कुछ लोगों को यकीन नहीं होगा। कब अप्लाई किया था? 22 तारीख को अप्लाई किया था। अच्छा अच्छा, 22 या 23 तारीख को अप्लाई किया था। अच्छा अच्छा, और मैसेज आया था, रुको मैं बता देता हूँ, संडे को आया था मेरे पास मैसेज। अच्छा अच्छा, खैर चलो ठीक है, अच्छी बात है यार। मैंने कहा था ना कि 1 लाख से ऊपर ही लिमिट होगी। हाँ, तो लिमिट अच्छी मिल गई थी। संडे को ही आया था। अच्छा अच्छा, संडे को मैं चेक कर रहा हूँ, संडे को आ जाऊँ, 26 तारीख को आया था। अच्छा अच्छा, ना तो किसी तरह का फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ, ना तो किसी तरह के उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने पड़े, बिना किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के उनको क्रेडिट कार्ड मिल गया, अप्रूव हो गया।
तो दोस्तों इसी तरह से काफ़ी लोगों को क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, और मैं कहूँगा कि अगर आपको नहीं मिला तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी लोग मुझे जो मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं, बताते हैं कि बिना जो उनको इनकम प्रूफ के ऐसे क्रेडिट कार्ड मिल गया, और बहुत अच्छी लिमिट दे रहा है बैंक अभी, 1 लाख से ऊपर की लिमिट जो है ज़्यादातर लोग बता रहे हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था, यही आप लोगों को जानकारी देनी थी। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि उन्होंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत उनको पड़ी, तो यहाँ पर मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि किसी तरह कोई भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी है। वही जो नॉर्मली फिल करते हैं अपनी डिटेल्स वगैरह, वही उन्होंने फिल करी है, ना तो कोई वीडियो के वैसे हुआ है इसमें, और ना तो कोई फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है, उनको वैसे क्रेडिट कार्ड मिल गया है। तो आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय।